हेलो फ्रेंड्स, आज हम द मैन कंपनी के बियर्ड वॉश की अनबॉक्सिंग करेंगे। इस बियर्ड वॉश को मैंने द मैन कंपनी की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया है और ये बॉक्स आज ही मेरे पास पहुंचा है, जो कि पूरी तरह से वाइट कलर के पैकेट में रैप्ड है, आप देख सकते हैं। अब प्राइसिंग की अगर बात करें तो वैसे तो ये बियर्ड वॉश 350 रुपये की MRP के साथ आता है, लेकिन जिस वक्त मैंने कंपनी की वेबसाइट से ऑर्डर किया था उस वक्त ये कुछ ऑफ़र में था, तो मुझे 297 का पड़ा है, जिसमें 52.50 रुपये का मुझे डिस्काउंट भी मिला है और शिपिंग ये लोग फ्री करते हैं तो मुझे फ्री शिपिंग भी मिल गई, तो इसलिए मैंने इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया। और ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन और दूसरी वेबसाइट में भी देखने मिल जाएगा आप अगर देखेंगे तो। और रही बात इस बेड वॉश को ऑर्डर करने की, तो मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक की थी। हाँ, मुझे ज़रूर इंग्रेडिएंट लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे यूज़ करके देखना चाहता था, तो मैंने इस बेड वॉश को ऑर्डर कर दिया। और पैकेजिंग वाइज पे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब पैकेट को ओपन करके देखते हैं। पैकेज जैसे ही आप ओपन करेंगे, अंदर एक बॉक्स है जो कि बहुत ही कूल लगता है, क्योंकि इसमें हर तरफ द मैन कंपनी का लोगो लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है देखने पर। पैकेजिंग वाइज तो प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, कंपनी ने हर एक छोटी से छोटी डिटेल का ख्याल रखा है। जो आप डक्ट टेप भी देख पा रहे हैं, इसमें भी द मैन कंपनी का लोगो लगा हुआ है, लेकिन पैकेजिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्रेडिएंट लिस्ट, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले बॉक्स ओपन करके देखते हैं। बॉक्स ओपन करके देखते ही आपको बेड वॉश देखने मिल जाएगा, जो कि एक पैकेट में रैप है ताकि शिपिंग में किसी भी तरह से प्रोडक्ट को डैमेज ना हो सके। ये बेड वॉश को बाहर निकालते हैं। जैसे ही आप पैकेट से बेड वॉश को बाहर निकालेंगे, बेड वॉश का कवर देखने मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल है। हर एक डिटेलिंग इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से की है, इनका लोगो भी बहुत शानदार लगता है। साथ में एक कैटलॉग है जिसमें उन सभी प्रोडक्ट मेंशन करती है और एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट है। आप इन सारे प्रोडक्ट्स को इनकी वेबसाइट में भी देख सकते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक बेड वॉश है। चलिए बेड वॉश की तरफ चलते हैं। जैसा आपको बता रहा था बेड वॉश के कवर के बारे में, इसके कवर को भी इन्होंने प्लास्टिक से पूरी तरह से सील कर दिया है, जिससे किसी भी तरह की डैमेज का खतरा नहीं रहता है। कवर में एक तरफ इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है और दूसरी तरफ इस बेड वॉश को यूज़ करने के जो भी बेनिफिट हैं वो लिखे हैं। खैर, ये भी यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा इससे बेनिफिट होता है कि नहीं। सामने आप प्रोडक्ट का कवर देख पाएंगे, जो कि बहुत ही कूल लगता है। हर एक डिटेल बहुत अच्छी तरह से की है इन्होंने। 100 ml का प्रोडक्ट है और इसके कवर को भी इन्होंने प्लास्टिक से सील किया है ऊपर से नीचे तक। और नीचे आप देखेंगे तो इसकी और बहुत ही बढ़िया पैकेट है, इसकी मैं बार बार तारीफ करूँगा। कवर को भी ओपन करके देखते हैं। इनके कस्टमर केयर का रिस्पांस ईमेल पर उतना बढ़िया नहीं है जितना कि जल्दी ये फेसबुक पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये रही आलमंड एंड थाइम बियर्ड वॉश की बॉटल। 100 ml की एक प्लास्टिक बॉटल है और बॉटल के ऊपर में कैप दिया हुआ है, जिससे बियर्ड वॉश बाहर आता है। आप साइड में अगर देखेंगे तो MRP दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दी है, इंग्रेडिएंट लिस्ट है, इस पर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब इसे यूज़ करने का तरीका दिया हुआ है। अपने बियर्ड एरिया को पूरी तरह से पानी से गीला कीजिए, फिर बियर्ड लेकर के अपने बियर्ड हेयर पे और अंडरनेथ स्किन पर जेंटली मसाज कीजिए। थोड़ी देर रखने के बाद इसे पानी से पूरी तरह से साफ करके धो लीजिए। अब पैकेजिंग वाइज तो इस प्रोडक्ट ने आपका दिल जीत लिया होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट देख करके आपका दिल टूटने वाला है, क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट ये है SLES। SLES के कारण आपको आई, स्किन और माउथ इरिटेशन हो सकता है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में सल्फेट्स के कारण क्लॉक पोर हो सकता है, जिसके कारण एक्ने भी हो सकते हैं आपको। फिर आप देखेंगे कोकामिडोप्रोपिलबिटिन। अब कोकामिडोप्रोपिलबिटिन आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको तो बहुत माइल्ड बताएगा, लेकिन इससे भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। स्किन डिस्कम्फर्ट जैसे कि रेडनेस, इचिनेस, रैशेस या आई इरिटेशन हो सकता है। इसके और भी दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं। अब कोकामिडोप्रोपिलबिटिन पर तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिसमें इसके साइड इफेक्ट्स और जो भी इस पर डिबेट है उसके ऊपर मैं पूरी तरह से बात करूँगा। तो अगला इंग्रेडिएंट जिससे मुझे दिक्कत है, कोकामाइड MEA। ये ने जरूर इसे सेफ कहा हो, पर IARC ने इसे कैंसर कॉजिंग केमिकल के रूप में लिस्ट किया हुआ है। IARC वो संस्था है जो कैंसर पर रिसर्च करती है। फिर साइट्रोमोनियम क्लोराइड, इससे भी एलर्जी हो सकती है। फिनॉक्सीएथनॉल जो आपके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है, ये हार्मफुल और इरिटेंट भी है। यूरोप और जापान ने तो फिनॉक्सीएथनॉल पर बैन किया हुआ है। फिर एक एप्रिलोग्लाइसिन, एक सर्फेक्टेंट और स्किन कंडीशनिंग एजेंट है।
पर यदि फॉर्मुलेशन सही नहीं हुआ हो तो ये भी सेफ़ नहीं है। ये बात ज़रूर है कि इस बियर्ड वॉश में कंपनी ने बहुत से एसेंशियल ऑयल्स डाले हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट जो सर्फेक्टेंट, स्किन कंडीशनिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो इस बियर्ड वॉश में बहुत ज़्यादा हार्श है। अब मैं आपको कैप ओपन करके दिखाता हूँ, आपको एक नोज़ल दिखाई दे रहा होगा जिससे बियर्ड वॉश बाहर आता है। ये कैप बहुत ज़्यादा सेफ़ है, तो किसी भी तरह से आपके बियर्ड वॉश के लीक होने का डर नहीं है। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट वाइज तो आप इस बियर्ड वॉश को 2.5 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे 10 के स्केल पर, लेकिन पैकेजिंग वाइज ज़रूर आप इसे 10/10 दे सकते हैं। अब इस बियर्ड वॉश को मैं कुछ दिन यूज़ करूँगा, यूज़ करके देखूँगा कि मेरी स्किन और बियर्ड पर कैसे काम करता है। फिर इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो भी बनाऊँगा जिसे यूट्यूब पर आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। तो ये था अनबॉक्सिंग वीडियो इस बियर्ड वॉश का। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।